रिमेनिंग फोर पार्ट्स हैव बीन अपलोडेड बिफोर उन सबके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रही हूं अगर आपने वो फोर पार्ट नहीं पढ़े हैं अभी तक तो फिफ्थ पार्ट को समझना थोड़ा मुश्किल होगा तो पहले जाइए फर्स्ट फोर पार्ट को पढ़िए क्विक रिविजन करिए उनका और फिर फिफ्थ पार्ट को पढ़िए इन कुछ पार्ट्स में एक दो पार्ट्स और बचे हैं इन कुछ पार्ट्स में हम बिजनेस स्टडीज का सारा सिलेबस कर लेंगे और आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स बहुत आसानी से दे पाएंगे क्योंकि इसके बाद हम कुछ केस स्टडीज की वीडियोज भी करेंगे और राइट right? तो आज हमारा जो पार्ट फाइव है होल सिलेबस रिविजन वीडियो का उसमें हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो टॉपिक्स अब आग हम आ गए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक दो, दो पार्ट में डिवाइडेड है एक है मैनेजमेंट, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आगे इसी में मार्केटिंग मैनेजमेंट भी है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा हो चुका है, चार में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने उठाए हैं जो एग्जाम्स में, है, में आते हैं क्योंकि रिविजन वीडियो है इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की फाइनेंशियल मार्केट पता होगा आपको कौन कौन सी थी मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट फिर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स और कैपिटल मार्केट के टाइप्स ये तीन टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसलिए हम ये टॉपिक्स करेंगे एक दो टॉपिक्स और है इसके बाद जैसे ई बी आई टी एंड ईपीएस एनालिसिस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे फिर मैं आपके थर्ड पार्ट में आ जाऊंगी बुक की जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है ठीक है तो ये रिवीजन वीडियो का पार्ट फोर है इस वीडियो में हम ये तीन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स आपको जल्दी जल्दी समझाऊंगी ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके याद रखिए अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो प्लीज नोट इट डाउन सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन यू डू नॉट फेस डिफिकल्टीज एंड यू हैव क्विक नोट्स नियर यू और सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट यू कैन सी कि फाइनेंशियल मार्केट मैंने यहाँ लिखा है क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इससे पहले कि हम जाने की तरह तरह के फाइनेंशियल मार्केट कौन से होते हैं मतलब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कौन से होते हैं वी शुड बी अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है मार्केट का तुमने मतलब पता है क्या होता है मार्केट का मतलब है जा जा है, है, होता है बाजार जहाँ जाके हम चीजें खरीदते हैं बेचते हैं वो बाजार होता है फाइनेंशियल मार्केट वही है जहाँ पे आप चीजें बेचते हैं और खरीदते हैं लेकिन कौन सी चीजें फाइनेंशियल असेट्स कौन सी चीजें बेचकर खरीदते हैं फाइनेंशियल असेट्स क्या होते हैं फाइनेंशियल असेट्स सिक्योरिटीज शेयर्स डिबेंचर्स जहां पे आप जिस बाजार में आप शेयर्स डिबेंचर्स ये सब खरीदते और बेचते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट है क्योंकि मार्केट कौन सी जगह है जहां पे आप सामान बेचकर खरीदते हैं तो जहां पे शेयर्स और डिबेंचर्स यानी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स अदर सिक्योरिटीज फाइनेंशियल असेट ट्रेजरी बिल्स कॉल मनी ये सब बेचा और खरीदा जाता है उसे हम बोलते हैं Financial markets. So A market which deals in buying and selling of financial assets is known as financial market. Now, there are two types of financial market money market and capital market. Money market is also known as near market. Very important to note money market is also known as near market. मनी मार्केट क्या होती है देखो मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे आप शेयर्स डिबेंचर्स या फाइनेंशियल बेचते और खरीदते हैं कुछ फाइनेंशियल ऐसे होते हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड यानी कि पेमेंट पीरियड एक साल से कम होता है यानी आपको उसकी पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करनी ही पड़ेगी और कुछ शेयर्स कुछ फाइनेंशियल असेट्स ऐसे होते हैं जिनका पेमेंट पीरियड मोर देन वन ईयर होता है तो कुछ ऐसे होते हैं फाइनेंशियल एसेट जिनका मेच्योरिटी पीरियड यानी पेमेंट पीरियड एक साल से कम होगा और कुछ फाइनेंशियल असेट ऐसे होंगे जिनका पेमेंट पीरियड एक साल से ज्यादा होगा जो मार्केट एक साल से कम वाले फाइनेंशियल असेट्स में डील करती है किसमें लेस देन वन ईयर वाले फाइनेंशियल असेट्स में डील करती है उस मार्केट को हम बोलते हैं मनी मार्केट क्योंकि इसका पेमेंट पीरियड कम है इसलिए इसे नियर मार्केट भी कहा जाता है राइट right. और जो मार्केट एक साल से ज्यादा वाले फाइनेंशियल एसेट्स में डील करती है उसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट सो द मार्केट विच डील्स इन फाइनेंशियल असेट्स हुज मेच्योरिटी पीरियड इज लेस देन वन ईयर इज नोन एज मनी मार्केट और नियर मार्केट एंड द मार्केट विच डील्स इन फाइनेंशियल हुज हुटी पीरियड इज मोर देन वन ईयर और पेमेंट पीरियड इज मोर देन वन ईयर दैट इज नोन एज कैपिटल मार्केट अब ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज होती है जिनका मेच्योरिटी पीरियड एक साल से कम होता है ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज होती है उनका नाम मैंने यह लिखा हुआ है यानी कि मनी मार्केट इनमें डील करती है इन सिक्योरिटीज में डील करती है कौन सी सिक्योरिटीज है ये ट्रेजरी बिल कॉमर्शियल पेपर कॉल मनी और कॉल लोन्स कमर्शियल बिल्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यही सिक्योरिटीज है जिनका मेच्योरिटी पीरियड एक साल से कम है जिसमें मनी मार्केट डील करती है और इसी को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट जो कि हमारा आज का अगला टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट जो हमारा सेकेंड टॉपिक है आज की वीडियो का कि ये होते क्या है ये कौन सी सिक्योरिटीज है जिनका पेमेंट पीरियड एक साल से कम है यही है वो फाइनेंशियल अस्ट जिनका मेच्योरिटी पीरियड एक साल से कम है जिसे हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट ऑलराइट और उसके बाद कैपिटल मार्केट की तरफ अगर हम आए जिसका मेच्योरिटी पीरियड एक साल से ज्यादा है तो यहां पे कौन सी सिक्योरिटीज होती है यहाँ पे तो शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स कंपनी के उसमें डील करती है कैपिटल मार्केट जिनका मेच्योरिटी पीरियड एक साल से ज्यादा है अब कैपिटल मार्केट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट यही है हमारी आज की वीडियो का थर्ड टॉपिक कि व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट तो ये तो था बेस की क्या है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट डील्स इन सिक्योरिटीज लेस देन मेच्योरिटी पीरियड लेस देन वन ईयर एंड कैपिटल मार्केट मे्योरिटी पीरियड मोर देन वन ईयर दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट तो ये है मनी मार्केट जिसके इंस्ट्रूमेंट्स हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद और ये है कैपिटल मार्केट जिसमें हम कौन से फाइनेंशियल एसेट्स में डील करते हैं हुज मेचोरिटी पीरियड इज मोर देन वन ईयर लाइक शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है प्राइमरी मार्के मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट सो नाउ का लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट की होते क्या है और राइट हेयर वी आर विद द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट अभी मैंने आपको बताया कि मनी मार्केट वो मार्केट है जो उन इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है जिनका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन वन ईयर होता है सबसे इंपॉर्टेंट चार इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यहां लिख दिए ट्रेजरी बिल कॉमर्शियल पेपर कॉल मनी एंड कॉमर्शियल बिल मैंने चारों को अलग अलग कॉलम्स में लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो और पॉइंट्स बनाने में भी आसानी हो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेजरी बिल क्योंकि मैंने आपको बताया ये सब क्या है ये सब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है जिनका मेच्योरिटी पीरियड एक साल से कम होता है क्या होता है ट्रेजरी बिल मैंने यहाँ पे सिर्फ वही पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको याद करना जरूरी है और एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं और जिनसे आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑलराइट राइट सबसे पहले ट्रेजरी बिल कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है जो सरकार देश चला रही है उसे भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलती है कि आप लोगों में क्या बांटो ट्रेजरी बिल बांटो और लोगों से पैसे लो आप लोग हो आप लोगों को आरबीआई ने ट्रेजरी बिल बांटे एक ट्रेजरी बिल पच्चीस हजार रुपए का है कितने का पच्चीस हजार का दो लोगे तो पचास हजार के तीन लोगे तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड चार लोगे तो वन लाख एंड सो ऑन लेकिन आपको वो बिल आरबीआई ने दिए बाईस हजार का और कहा जिस दिन आप वापस देने आओगे आपको पूरे पच्चीस हजार रुपए वापिस मिलेंगे खरीदोगे ना आप इन्वेस्टमेंट है आज ट्वेंटी टू थाउजेंड में मिल रहा है लेकिन आज से कुछ दिन बाद मेच्योरिटी पीरियड एक साल एक साल के अंदर अंदर वापस मिल जाएंगे पैसे ठीक है इतने दिन के बाद आप देने आना बिल, आपको पूरे ट्वेंटी तो कुछ ना तो ये ट्रेजरीट्यूशन को, को ताकि गवर्नमेंट को जो अभी पैसा चाहिए वो मिल जाए गवर्नमेंट को अपना पैसा मिल गया लोगों ने खरीद लिया बिल सस्ते में ठीक है और गवर्नमेंट का अपना काम हो गया उसके बाद जनरल पब्लिक ने बिल वापस दे दिया आरबीआई को और आरबीआई ने जनरल पब्लिक को ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज पर बिल वापस कर दिया लोगों की भी कमाई होगी और गवर्नमेंट का भी काम चल गया तो आप कितने दिन बाद बिल वापस जा सकते हो या तो फोर्टीन डेज बाद या नाइन्टी वन डेज बाद या वन एटी टू डेज बाद या थ्री सिक्सटी फोर डेज बाद एक साल से ज्यादा नहीं क्योंकि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है ना मनी मार्केट वाली तो फोर्टीन डेज नाइन डेजी टू डेज एंड थ्री सिक्सटी फोर डेज है इसका मेच्योरिटी पीरियड हाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दीज आर इशूड टू जनरल पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द मेचोरिटी पीरियड एज फोर्टीन डेज नाइनटी वन डेज वन एटी टू डेज एंड थ्री सिक्सटी फोर डेज जितने का ट्रेजरीबिल होता है पच्चीस हजार का होता है उससे कम में लोगों को दिया जाता है लेकिन जब वो वापस करने आएगा तो पूरे पैसे मिलेंगे इसलिए जो रेट है कि कितने पैसे का दिया जाएगा कितने वापस मिलेंगे वापस तो पूरे ही मिलेंगे लेकिन आप कितने का खरीदोगे वो फिक्स्ड नहीं होता कि इसमें इंटरेस्ट कितना कमाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं होता दैट इज वाई ट्रेजरी बिल इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई इज ट्रेजरी बिल नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड बिकॉज इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट सर्टिन इट इज नॉट फिक्सड्रेजरी बिल इज ऑल्सो नोन जीरो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आई होप ऑल द पॉइंट आर क्लियर लेट्स कम टू सेकेंड कॉमर्शियल पेपर कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी उनका बहुत नाम है उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है छोटे मोटे काम के लिए जैसे कि वर्किंग कैपिटल थोड़ा रॉ मटेरियल खत्म हो गया शेयर्स इशू करने हैं एडवर्टाइजमेंट के पैसे खत्म हो गए छोटे मोटे कामों के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे बड़ी बड़ी कंपनीज को तो बड़ी बड़ी कंपनीज जनरल पब्लिक को कमर्शियल पेपर देती है ये कोई प्रोमिसरी नोट नहीं है अनसिक्योर्ड है बिल्कुल इसके कोई गारंटी नहीं होती लेकिन उनका नाम इतना बड़ा है कंपनी का कि लोग उसे खरीद लेते हैं तो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो कि वेल रिप्यूटेड कंपनीज इशू करती है जनरल पब्लिक को हम उसे खरीदते हैं उनको पैसे देते हैं जब हम उनको पैसे देते हैं वो अपना काम करते हैं और एक साल के अंदर अंदर हम उनसे वो पैसे अपने वापस ले सकते हैं ज्यादा रेट पे मिनिमम एक कमर्शियल पेपर की वैल्यू होती है पांच लाख फाइव लाख रुपीज इज द वैल्यू फॉर वन कमर्शियल पेपर मिनिमम आपको फाइव लाख ,00 के कमर्शियल पेपर खरीदने पड़ते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट के साथ ही पैसे वापस मिलते हैं तो ये कौन इशू करता है ये इशू करती है वेल रिप्यूटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर शॉर्ट टर्म नीड्स लेट्स खतरनाक है क्योंकि हर बैंक को कुछ कुछ भी रीजन हो सकता है मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किस रीजन से हर बैंक को एक रेशियो मेंटेन करना होता है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो की हर बैंक को हर मोवमेंट पे इतना कैश तो अपने पास रखना ही रखना है हमेशा कई बार बैंक का उतना कैश कम हो जाता है तो बैंक फोन पे दूसरे बैंक से पैसे मांगता है जब एक बैंक दूसरे बैंक से फोन पे लोन मांगता है उससे बोलते कॉल मनी क्योंकि कॉल पे लिया गया ना पैसा अब इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है यानी वापस लौटाने का ड्यूरेशन है वो एक से पंद्रह दिन है पंद्रह दिन में मैक्सिमम दूसरे बैंक को पैसा वापस करना ही पड़ेगा पंद्रह दिन तक कोई रखता नहीं है पैसे क्योंकि जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर आर के हिसाब से बढ़ता है हर घंटे में इंटरेस्ट बढ़ता रहता है तो पंद्रह दिन में तो बैंक बिल्कुल कंगाल हो जाएगा अगर वो पंद्रह दिन रखेगा विद इन दो टू थ्री आवर्स हर बैंक वापस कर देता है पैसा ठीक तो है तो मेचोरिटी पीरियड है वन टू फिफ्टीन डेज लोएस्ट अमाउंट जो होती है कॉल मनी की वो दस करोड़ होती है लेकिन आज तक कोई भी ट्रांजेक्शन हंड्रेड करोड़ से कम की नहीं ऑब्जर्व की गई है और ये कॉन्वर्जेशन ये जो कॉल मनी का लोन है ये ऑन टेलीफोन ही लिया जाता है दैट दैट इज इज नोन एज कॉल कॉल मनी और लोन नाउ द लास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट हुज मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन कमर्शियल बिल ये आपने क्लास इलेवेंथ में चैप्टर पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगर मैं हूं सेलर और आप है बायर और आपने मुझसे सामान खरीदा लेकिन पैसे नहीं दिए उधार पे खरीदा तो मैं आप पे एक बिल ड्रॉ करती हूं और आप वो बिल एक्सेप्ट करते हैं और मुझे आश्वासन देते हैं कि इस डेट को आपको पैसे मिल जाएंगे अगर मुझे पैसों की जरूरत जल्दी है तो मैं वो बिल जाके बैंक में डिस्काउंट करवा सकती हूँ और थोड़ा सा मेरा पैसे इंटरेस्ट कटेगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है 90 डेज इन 90 डेज मेरे पास पैसे आ जाएंगे जो आपने क्रेडिट में सामान खरीदा था उसका तो ये है क्रेडिट सेल्स के लिए क्रेडिट सेल्स के लिए जो पैसा दिया जाता है उसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल बिल जिसमें सेलर क्या करता है बिल ड्रॉ करता है और बायर बिल एक्सेप्ट करता है और विद इन नाइनटी डेज अपने बिल का पैसा चुका देता है सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट यानी ये वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है जिनका मच्योरिटी पीरियड लेस देन वन ईयर होता है और ये क्या है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है नाउ वी हैव कम्पलीटेड दिस और मैंने आपको जो मेन मेन पॉइंट्स हमारे सारे लिख दिए कि ऑन इशू करता है किसको इश्यू करता है मेच्योरिटी पीरियड क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है और इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं ट्रेजरी बिल को दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिटर्न इसमें इतना पढ़ोगे दैट इज अफ सारे केसेस सॉल्व कर लोग हाफ पे ठीक है ना द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज इज टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट मनी मार्केट तो पढ़ लिया मनी मार्केट क्या है जिसमें एक साल से कम की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज डील होती है अब कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं जिसमें एक साल से ज्यादा की सिक्योरिटीज डील होती है यानी शेयर एंड डिबेंचर उसके टाइप्स पढ़ते हैं और राइट टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट मैंने क्या बताया क्या होती है वो मार्केट जिसमें हम उन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में डील करते हैं उस च्योरिटी पीरियड इज मोर देन वन ईयर तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज होती है शेयर्स डिबेंचर्स विच आर इशूड बाय अ कंपनी जो कंपनीज इश्यू करती है शेयर डिबेंचर वही है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज अब कैपिटल मार्केट भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट देखो कोई ना कोई सिक्योरिटी कोई ना कोई शेयर तो ऐसा होगा ना जो पहली बार इशू होगा एक बार जब वो इशू हो गया फिर तो वो एक से दूसरे पर्सन पे दूसरे से तीसरे पर्सन पे तीसरे से चौथे पर्सन पे दोबारा कंपनी पे कंपनी से दोबारा

प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम और सेकेंडरी मार्केट में जो इश्यू हो चुकी है सिक्योरिटीज वही खरीदने और बेचने का काम चलता रहता है ट्रेडिंग ऑफ ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज अब देखो जो प्राइमरी मार्केट में कौन से शेयर्स है जो पहली बार इशू हो रहे हैं तो यानी कि आप सिर्फ क्या कर सकते हो अगर आप खरीद रहे हो तो आप इन्वेस्टर हो आप सिर्फ खरीद सकते हो है ना बेच तो सकते ही नहीं क्योंकि जो पहली बार इशू हो रही है वो आपके पास पहले से कैसे होगी तो आप सिर्फ खरीद सकते हो और यहां पर सेकेंड हैंड शेयर है तो आप खरीद भी सकते हो और जो आपके पास है वो बेच भी सकते हो अब जो प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इश्यू होते हैं वो कहाँ इशू होते हैं उसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होती इट हैज गॉट नो पर्टिकुलर प्लेस कि कहाँ पे इशू करने शेयर्स तो ये कैसे इशू हो सकते हैं लोगों में प्रचार करके लोगों में प्रोस्पेक्टर्स बांट दो कि हमारे शेयर्स खरीदो किसी ब्रोकर को दे दिए कि तुम जाके आके बेचो इलेक्ट्रॉनिकली बेच दिए ऐसे ऐसे इशू होते हैं ये ठीक है तो इट हैज गॉट नो पर्टिकुलर प्लेस कि ये शेयर्स कैसे इशू करेंगे बट सेकेंडरी मार्केट हैज गॉट अ पर्टिकुलर प्लेस कि मेरे को अपने शेयर कहां इशू करने हैं एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इज स्टॉक एक्सचेंज इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस स्टॉक एक्सचेंज सारी अच्छी अच्छी कंपनीज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं और जब स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होती है तभी वो अपने शेयर्स को बेच सकती है बिकॉज एवरी कंपनी हैज टू सेल इट्स शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज लेकिन जब आप पहली बार बेच रहे हो तो आपके पास कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होती so primary market has got no particular place to sell its shares but secondary market has got a particular place which is known as stock exchange so when the share is issued for the first time in the market it is issued in the primary market and after that it is issued in secondary market primary market has got no particular place whereas secondary market has got a particular place to sell its shares which is known as a stock exchange so, here we have completed these three topics of financial market. Later in another part, we will learn about stock exchange, which is very, very important for your board examination, and then we'll come up with the marketing management part. Alright, for that, you have to stay tuned, children. You have to practice all the four parts in this part together. Then we'll come with the, another part. For that you have to subscribe the channel, you have to press the bell icon positively so that you can be updated whenever I'm posting a new video because exams are very, very near. Share it with your friends and please work very, very hard for your exams. Stay tuned and keep practicing. Bye bye.